हेलो एवरीवन। तो जैसा हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपके भाई एक इंटरनेशनल ट्रिप मारने वाले हैं और आप सबने कमेंट्स करके गेस भी करा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो आप लोगों का सस्पेंस हम खराब नहीं करेंगे, आपका ही सारा सस्पेंस हम रिवील करेंगे T3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुँच के। तो हमारे बैग हो गए हैं पैक, भाई ने आपके अकेले बैग पैक करे, इन्होंने कुछ मदद नहीं करी मेरी, पूरे रेडी हो गए हम जाने के लिए। हमने कैब बुक कराई है और सारा सामान चेक कर लिया तूने? ओके है। पासपोर्ट चेक, टिकट चेक, कैश कैश तो आपके पास होगा, मेरे पे थोड़ी होगा। देखा, अभी तेरे बिना भी हो जाता तेरा काम। और बाकी भाई हमने कैब बुक करा लिया है, अब हम लेट हो रहे हैं और सीधा एयरपोर्ट पे जाके ब्लॉक स्टार्ट करेंगे और वही मिलते हैं आपसे सबसे। थैंक यू भैया। तो गाइस क्या बहुत ही बढ़िया थे, बहुत ही बढ़िया थे कैब वाले भैया, उनसे हम बातें करते करते आ गए, टाइम का हमें पता ही नहीं लगा। तो और ये स्पॉट बता दे पहले, क्या है ये स्पॉट? हमारे से बहुत ही जुड़ा हुआ है क्योंकि जब हमने फर्स्ट टाइम ब्लॉग करा था तो इसी स्पॉट पे करा था। तो गाइस कैसे क्या था ये बता पहले। गाइस वी आर वी ब्रदर्स विक्की एंड वीनू, तो हम दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट T3 पे पहुंच चुके हैं। हम इस बार हम थाईलैंड जा रहे हैं, हम उसका पूरा ब्लॉग हम फर्स्ट टाइम ब्लॉग कर रहे हैं। नए ब्लॉग जैसे बनाते हैं हम वैसे स्टार्टिंग करें। कर व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक विद वी ब्रदर्स। सारे भाइयों का राम राम, सुबह शाम शाम। दिल्ली 34 के चीते हैं, मौज लेके जीते हैं। तो भाइयों हम एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और फटाफट अब अंदर जाते हैं क्योंकि थोड़ा हम लेट हो गए टाइम से और टाइम हो गया हमारा अंदर जाने का। तो मैं ट्रॉली लेके आता हूँ इसमें। ठीक है आप ट्रॉली ले आओ, मैं आ जाऊँ हेल्प करने। नहीं नहीं ठीक है। अरे आज तो बहुत ही जेन्युइन हो रहे हैं यार, ये ट्रॉली खुद लेके आ रहे हैं, काम सारा खुद कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आगे जाके ना हमारे से बहुत काम कराएंगे, एक ही बार सारा काम करा देंगे, सारी कसर निकाल देंगे। चलो अब चलते हैं हम अंदर और आपको दिखाते हैं सारा कुछ। तो गाइज हम एयरपोर्ट के अंदर आ गए हैं और ट्रॉली तो मैंने वापसी करवा दी थी क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। बाकी भाई तो आज बड़े जेन्युइन हो रखे हैं, किसी काम के लिए मना ही नहीं कर रहे। नहीं नहीं मैं बहुत खुश हूँ आज। क्यों? क्योंकि बोर्डिंग की लाइन बिल्कुल ज़ीरो है, कोई लाइन नहीं है, कोई कुछ नहीं, सीधा डायरेक्ट हमारा जाते ही नंबर है। तो अंदर इसके इस तक इतना टाइम हमारा बच जाएगा, यहाँ पर अंदर जाके फुल ड्यूटी फ्री में ऐश करेंगे, एंजॉय करेंगे, पूरी शॉपिंग करेंगे घर वालों के लिए और इसके लिए भी थोड़ी शॉपिंग कर लेंगे आज। कुछ नया भी देखेंगे। हमेशा कंजूस बोलता पर आज इसकी सारी कंजूसी दूर कर दूंगा और अच्छे से शॉपिंग करेंगे और कुछ खाएंगे अंदर जाके। हैं और फटाफट हम यहाँ पे बोर्डिंग पास लेके अंदर ड्यूटी फ्री के जाके पूरा इंजॉय करेंगे। गाइस हमारा बोर्डिंग पास आ गया है, खुश हो गए बोल ले। आप बोलो भाई, हमारा आ गया बोर्डिंग पास और अब हम हो गए पेपरों में पास। इनको ना मैं कह रहा हूँ संगति का असर हो गया मेरे साथ। हवा, हवा। ये देखो कितना कितना खुश है, कितने एक्साइटेड है। मैं तो बहुत खुश हूँ। तो गाइज इनको ना मेरे साथ रह के ना सारा संगति का असर हो गया, मेरी तरह शेर व शायरी करने लग गए। मैंने सिखाई है इसको। अब फटाफट हम सिक्योरिटी चेक करा के अंदर मिलते हैं ड्यूटी फ्री के। चलो भाइयो पहुंच गए हम दिल्ली ड्यूटी फ्री। तो ड्यूटी फ्री का मतलब ये मत समझना सब कुछ फ्री है। हाँ फ्री कुछ नहीं है यहाँ पर, बस ये है एक्साइज ड्यूटी बच जाती है। तो आपको लिकर वगैरह और परफ्यूम वगैरह, खाने पीने की चॉकलेट्स सब कुछ सस्ता मिलता है यहाँ पर। और अभी एक्सप्लोर करते हैं और सारा दिखाते हैं आपको क्या क्या मिलता है यहाँ पर। तो हम भी कुछ आज शॉपिंग वगैरह यहाँ पे करेंगे। हाँ। और पूछ लेना चाहिए यहाँ पे ना, कई बार ऑफर्स वगैरह बहुत बढ़िया बढ़िया मिलते हैं और यहाँ पे आप प्री बुकिंग भी करा सकते हैं, पहले यहाँ पे बुक करवा के सामान ले लो। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो कितने बढ़िया बढ़िया आपको चॉइसेस मिल जाएंगे यहाँ पे लिकर की। यहाँ पर सारे लिकर्स मिल रही हैं, परफ्यूम यहाँ पर मिल रहा है, मेकअप का सामान मिल रहा है, चॉकलेट्स लगी हुई आगे। जैसे आप चॉकलेट वगैरह गिफ्ट कर दो, मेकअप जैसे लड़कियों को पसंद होता है, विक्की भाई को भी थोड़ा मेकअप पसंद है, और लिकर ये रहा सारा डिपार्टमेंट। और हाँ लिकर लेने से पहले ज़रूर इनसे ऑफ़र पूछें क्योंकि कभी कभार ऑफ़र में ये बैग वगैरह देते हैं ऑफ़र होते हैं। और अगर ना पूछो तो बैग वगैरह मिलता नहीं है, तो ज़रूर इनसे ऑफ़र पूछें। तो हम भी पूछते हैं क्या ऑफ़र चल रहा है ताकि थोड़ी शॉपिंग कर लें और थोड़ा घर वालों को खुश कर दें लेके सामान, थोड़ा हम भी यहाँ पे देखें कुछ बढ़िया मिल जाए। बाकी यहाँ पे आपको बढ़िया चीज़ बताता हूँ, सबसे खास बात यहाँ की ये है कि आप जितना मर्जी बाय कर लो आपको फिर भी यही लगेगा कम शॉपिंग करी है। और देखो ये पहले लग गए शॉपिंग करने में। भाई कहाँ जा रहे हो, रुक तो जाओ शॉपिंग कर ले, नहीं तो फिर ये हमेशा मेरे को बोलता रहता है कंजूस भाई आज दिल खोल के शॉपिंग करेंगे। मेरे को तो नहीं लगता है कराने वाले हैं शॉपिंग, फुल शॉपिंग करवाएंगे। और दिखा कितना सुंदर डेकोरेट करा हुआ है, ये देखो ये एक तरह से रंगोली बनाई हुई है, इंडियन आर्ट, बहुत सुंदर बनाया हुआ है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये सारा दिल्ली ड्यूटी फ्री है।
और बाकी आप ऑफर देखते हैं। ये आप अगर आप लोगों ने शायद नोटिस ये चीज़ ना करी हो, आपके भाइयों ने करा है, भाई ने करा है सर पे एक एक्सपेरिमेंट, कलर कराया कलर दिखा नीचे और मैं एक्सपेरिमेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम कराया है, तो अगर बढ़िया लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, नेक्स्ट टाइम मैं और बढ़िया कलर कराऊंगा। अब हम कुछ शॉप वगैरह करते हैं और आपको भी दिखाएंगे हमने क्या शॉपिंग करी है। आगे दिल्ली ड्यूटी फ्री की स्नीकर शॉप पे, और ये देखो कितनी बढ़िया बढ़िया लगी हुई है यहाँ पर, आपको सारी एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ, सारी बॉटल्स दिखाता हूँ। ये देखो सुंदर सुंदर बॉटल्स हैं, और ये रेमी मार्टिन की आ गई आपकी रिजर्व कलेक्शन। विक्की भाई के देखो मुँह में पानी आ रहा है कितना। ये देखो खुद तो मैंने आपको क्या बोला था, एक ही बार ये बैग लेके आएंगे सारे कैसे रेट पे निकाल, इसको अब मैं बनाऊंगा अपना चेला, ये मेरा चेला बनेगा आज। ये देखो आप सारी बोतलें देखो, ये सारी ऑफर्स लगी हुई हैं। और ये जॉनी वॉकर की ब्लैक लेवल, गोल्ड लेवल और 18 ईयर्स, ये सारी ऑफर्स लगी हुई हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ड्यूटी फ्री आके हमेशा ऑफर ज़रूर चेक करें। हमने तो ले लिया अपना सामान और गिफ्ट वगैरह, और आपको दिखाएंगे क्या क्या लिया है। और ये देखो आपको शिवास की कलेक्शन दिखाता हूँ, शिवास लेकर की नई कलेक्शन आई है, ये देखो बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर। पानी आ रहा है मुँह में? पानी नहीं आ रहा, जो आपने काम दे दिया ना इतना ज़्यादा, मेरे को लग रही है भूख, कुछ खिला दो पहले। अब चलो फिर फटाफट जल्दी से कुछ खाते हैं और बिल पे करके पहले पाए कर ले। अब बिल ही पे करने जा रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहा है, आज भाई के पास बहुत कैश है, पूरी ऐश है। स्निकर्स तो हमने बहुत देख ली, अब थोड़ा परफ्यूम की ओर जाते हैं, देखते हैं शायद कुछ पसंद आ जाए। परफ्यूम से पहले मैं दिखा देता हूँ सारी मेकअप वगैरह की आइटम, लिपस्टिक्स वगैरह, ये सारी स्पेशल हो गई लड़कियों और लेडीज़ के लिए। ये देखो मेरे को इसकी नॉलेज तो है नहीं, लेकिन सुंदर लग रहा है, फिर भी गिफ्ट वगैरह कर सकते हैं आप। शॉप कर लिया, और ये देखो पैसे पे कर रहे हैं, अरे तेरे लिए लिए बहुत कैश है, बहुत कैश है भाई, ऐसा बोलता रहता है कभी गिफ्ट नहीं दिया, आज वैलेंटाइन डे है, इसको वैलेंटाइन पे गिफ्ट दे रहा हूँ मैं, अब तो पूरा कैश खत्म कराऊंगा, अब तो आपने दिखा दिया मेरे को। ये तो इंडिया तक चलेंगे, बाहर चलेंगे क्यों नहीं चलते, समझा कोई नहीं, इधर ही खर्चा कर लेंगे बस। तो गाइस दिल्ली ड्यूटी फ्री में बहुत कुछ है शॉपिंग करने का, कपड़े हो गए आपके, कॉस्मेटिक्स हो गया, वॉचेस हो गई, चॉकलेट्स हो गई, लिकर हो गया, मतलब बहुत ही सारा कुछ है शॉप करने के लिए, बहुत कुछ है। पर इनको मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ कुछ खिला दो, इन्होंने अभी तक एक चीज़ भी नहीं खिलाई मेरे को, मतलब इसकी डिमांड पूरी कर देते हैं और कुछ खाने चलते हैं, बहुत भूख लग रही है हमारे को, थोड़ा वॉशरूम गया था। और ये देखो कैसे राक्षसों की तरह खा रहा है बिना पूछे मेरे से, ये देखो लगा हुआ। हाँ भाई 2 मिनट वॉशरूम गया था, सारे खाली कर दिया, रखा तो आपके लिए मैंने 5-6 पीसों में, सिर्फ एक पीस बचाया वो भी सबसे छोटे वाला, 4 पीस ऑर्डर करे थे मैंने। ऐसी कौन सी भूख लगी है तेरे को? अरे इतनी देर से कुछ खाया नहीं, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। तो भाई को जल्दी जल्दी अब खाते हैं और फिर चलते हैं अपने जहाज को बोर्ड करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, इसके चक्कर में लेट हो गए हैं खाने की, इसको पता नहीं, एक तो ऑप्शन डिसाइड नहीं कर पाता, एक तो 5 घंटे की फ़्लाइट है, 6 घंटे की, 5.5 घंटे की, 5.5 घंटे की फ़्लाइट है, और मेरे को नींद नहीं आती फ़्लाइट के अंदर, तो मैं हेडफोन्स या फिर ऐसे कुछ गाने वाने सुनूंगा, ये कराटे मार के सोते हैं उधर, और तो इतना खाले इसको बोलो फट जाएगा, जान में फट जाएगा ये। तो भाइयों फिर जल्दी मिलते हैं आपको, अब एयरप्लेन में मिलते हैं, फटाफट भागते हैं अपने जहाज की तरफ, जहाज मतलब एरोप्लेन। तो भाइयों हम थोड़ा लेट हो गए थे इसलिए हमने ये स्कूटी कर लिया है और अपनी एयरप्लेन की तरफ जा रहे हैं फटाफट। हाँ भाई कैसा लग रहा है? मौज लेते हुए भाइयों, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो बी ब्रदर्स की वीडियो खोज लो, जल्दी चल लो, बहुत लेट हो रहे हैं हम, सारा खाली वेटिंग हो रहे हैं, पूरा हमारा एयरप्लेन दिख रहा होगा शायद आपको, सस्पेंस खत्म होने वाला बस, देखियो पीछे जल्दी कर लो। तो गाइस हम फाइनली लैंड कर चुके हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि ये कराटे मार के सो रहे होंगे, ये देखो कैसे कराटे मार के सो रहे हैं, उड़ जाओ बता तो दो कहाँ जा रहे हैं, और क्या पहुँच गए, 5 मिनट हो गए पहुँच गए, लोग बैग लेके जा रहे हैं और अभी तक ये सो रहे हैं, इनको कोई परवाह नहीं है। तो अब इनको अब थोड़ा सा उठ के अब हम बाहर जाएंगे और हम बताएंगे हमने कहाँ लैंड करा है और हम कहाँ जा रहे हैं। सुबह के 3 बज रहे हैं और आपके भाई लैंड हो चुके हैं,
मलेशिया एयरपोर्ट पे, तो दिल्ली से मलेशिया हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, ये भी हमारी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। विकी फाइनल डेस्टिनेशन तो बता दे। सस्पेंस हो गया अब ओवर, मैं बता देता हूँ अब हम कहाँ जा रहे हैं। जेब होने वाली है इनकी खाली, क्योंकि भाई जा रहे हैं तुम्हारे बाली। सो रहे हैं और ये देखो वेटिंग एरिया में कितना टाइम लग रहा है हमारे को, कैसे वेट कर रही है दुनिया, और विक्की भाई भी वेट कर रहे हैं हमारे साथ। भाई मैं तो ये देखो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि भाई बाली जा रहे हैं हम फर्स्ट टाइम, और बहुत सुना है इसके बारे में कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और पूल वगैरह इसके बहुत देखे हैं मैंने वीडियोस में। बस भाई वेट नहीं हो रहा, फटाफट फ्लाइट आ जाए और पहुँच जाए हम बाली। विक्की भाई की शक्ल तो ऐसे नींद में है, पर ऐसे लग रहा है वहाँ जाके पूरी तबाही मचाने वाला। विक्की तबाही मचाएगा नहीं मचाएगा भाई? दिन में 24 घंटे होते हैं ना। हाँ, सिर्फ मात्र 5 या 6 घंटे मैक्सिमम सोएंगे, बस फुल पावर है, आग लगा देंगे आग। भाइयों आपके भाइयों ने दूसरा एयरप्लेन बोर्ड कर दिया है, तो मत देना आप गाली, क्योंकि भाई जा रहे हैं तुम्हारे बाली। तो बस अब बाली पहुंचने वाले हैं हम, और फुल पावर एंजॉय, फुल पावर पार्टी, फुल पावर एंजॉय।